दिल्ली के मालवीय नगर हनुमान मंदिर के सामने बाबा का ढाबा सोशल मीडिया पर खतरनाक तरीके से ट्रेंड हो रहा है। यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह आपको बाबा का ढाबा देखने को मिल जाएगा। और उस बाबा के ढाबा में 80 साल की बुजुर्ग पति और पत्नी खाना बनाते हैं लोगों के लिए और खिलाते हैं। 20 या 30 रुपए की प्लेट होती है, पर प्रॉब्लम क्या है, लोग फिर भी नहीं खा रहे हैं, नहीं खाते थे। तो वही देखकर, वही सोचकर उनको बुरा भी लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हम दोनों इतनी मेहनत करके खाना बनाते, चावल बनाते हैं, मटर पनीर बनाते हैं और इतना अच्छा बनाते हैं, फिर भी लोग हमारा खाना क्यों नहीं खाते। कोरोना के कारण कि कोरोना हो जाएगा, कहीं बीमारी लग जाएगी, ये सोचकर कि वो गरीब हैं इसीलिए रेस्टोरेंट में जाएंगे लेकिन बाबा के ढाबा पर हम नहीं खाएंगे, तो ये सोचकर उनको भी कहीं ना कहीं दुख लगता था, बुरा लगता था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी 80 साल की उम्र में। 80 साल की उम्र में माँ बाप घर पर आराम करते हैं और बेटा कमाता है, पर यहाँ उल्टा है। 80 साल की उम्र में एक पति और पत्नी दोनों मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, फिर भी लोग नहीं खाते थे तो उनको बुरा लगता था। पर कहते हैं ना कि कर्म करते रहो कि ऊपर वाले के हिसाब में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। और आज का दिन बाबा का ढाबा पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो चुका है। एक दिन में किस्मत बदल गई है और बदलनी ही चाहिए। ऐसे लोगों की किस्मत बदलनी चाहिए कि जो 80 साल की उम्र में खाना बना रहा है, लोगों को खिला रहे हैं, तो और क्या चाहिए। लोग देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, पर ऐसे लोगों की मदद हमको करनी चाहिए। आज आप देखो यूट्यूब पर, ट्विटर पर, कहीं भी आप जाके चेक करो, हैशटैग बाबा का ढाबा लिखोगे ना तो ट्रेंडिंग में आपको उनकी वीडियो दिख जाएगी। 1 मिलियन, 2 मिलियन ऐसे ऐसे व्यूज हैं। आप खुद सोचो, एक दिन में किस्मत चमक गई और चमकनी चाहिए, चमकनी ही चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के हिसाब में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। और बाबा का ढाबा आज उनके फेस पर जो स्माइल है उनको देखकर कहीं मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोगों की मदद हमें करनी चाहिए। दिल्ली के मालवीय नगर हनुमान मंदिर के सामने, अब जो दिल्ली का है वो तो गया ही होगा, और अभी तो आपको पता ही है कितनी भीड़ लगी हुई है, जहाँ एक लोग नहीं आते थे आज वहीं 500 लोग खड़े हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। जो 20 रुपए की 30 रुपए की प्लेट कोई नहीं खाता था, आज वही 20 रुपए की 30 रुपए की प्लेट लेने के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। आपकी उम्र 50 साल हो या 80 साल हो, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करोगे ऊपर वाला आपको ज़रूर देगा। और दिल्ली के मालवीय नगर हनुमान मंदिर के सामने साक्षात सामने भगवान भी बैठे हुए हैं और उनके ही सामने उनका ढाबा लगता है। वो वीडियो में खुद बोले हैं, हनुमान मंदिर के सामने बाबा का ढाबा। तो कहते हैं ना, ऊपर वाले के हिसाब में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती, बस मेहनत करते रहो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।